सलमान करेंगे वेट रिड्यूस। शाहरुख खान को सलमान के एक जेस्चर ने किया शॉक्ड। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद सोनाक्षी भड़की अपने स्टाइलिस्ट पर। नेपोटिज्म रॉक्स कहने पर करण और वरुण ने मांगी माफी। यूलिया कैटरीना का रिलेशनशिप हुआ कॉर्डियल। दिशा के लिए टाइगर रखेंगे स्पेशल स्क्रीनिंग। सलमान खान को करना पड़ेगा अपना वेट रिड्यूस। एक फिल्म के लिए सलमान खान को कई किलोस वेट लूज करने के लिए कहा गया है। किस फिल्म के लिए और कितना वेट सलमान करेंगे कम, लेट्स फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान को करना पड़ेगा अपना वेट कम। सलमान को होना पड़ेगा पतला। वेल, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सलमान खान को अपनी फिल्म के लिए कुछ किलो वेट कम करना होगा। दरअसल सलमान खान कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर रेमो की एक फिल्म में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट नजर आएंगी जैकलिन। लेकिन इस बार सलमान वैसे नहीं दिखेंगे जैसे कि जैकलिन के साथ वो फिल्म किक में नजर आए थे। एक्चुअली रेमो की जिस फिल्म को सलमान ने साइन किया है वो फिल्म एक डांस फिल्म है और इस मूवी में बहुत डांस एलिमेंट्स डाले गए हैं। ऐसे में रेमो ने सलमान से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना वेट थोड़ा कम करें ताकि डांस सीक्वेंस में कोई इशू ना हो। अब डायरेक्टर साहब की ये रिक्वेस्ट सलमान को भी आ गई समझ और उन्होंने उनकी बात मानते हुए अपना वेट कम करने का डिसीजन ले लिया है। अब सलमान अपना वेट रिड्यूस करना फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग पूरी होने के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि टाइगर जिंदा है में उनका माचो लुक दिखाया जाएगा जिसके लिए उनका हैवी बॉडी वेट रिक्वायर्ड है। Well, अब देखना ये होगा कि क्या सलमान भी बॉलीवुड के उन एक्टर्स की तरह खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जिन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वाहवाही बटोरी है। संदेश अगाथे, जूम मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी स्टाइलिस्ट की लगाई क्लास। एक इवेंट पर अपने लुक की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद सोनाक्षी ने अपना सारा गुस्सा उतारा अपनी स्टाइलिस्ट पर। सोनाक्षी सिन्हा दिखाना चाहती थी एक अवार्ड नाइट पर अपने फैशन का जलवा। अपने यूनिक स्टाइल से सोनाक्षी करना चाहती थी सबको सरप्राइज और लोग सरप्राइज भी हुए, लेकिन ये सरप्राइज प्लेजेंट नहीं था। इनफैक्ट सोनाक्षी के इस स्टाइल को देखकर सबको लगा जोर का झटका, वो भी बहुत जोर से। एक्चुअली सोनाक्षी का ये स्टाइल किसी को नहीं आया पसंद। जहाँ सेम इवेंट पर बाकी एक्ट्रेसेस के स्टाइल को किया गया सुपर लाइक, वहीं सोना के इस लुक का सोशल मीडिया पर उड़ा जमकर मजाक। ऐसे में ये सब देखकर सोनाक्षी को आया अपने स्टाइलिस्ट पर बहुत गुस्सा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी स्टाइलिस्ट के साथ काफी लंबी मीटिंग की और उन पर जमकर बरसी। सुनने में तो ये भी आया है कि सोशल मीडिया पर अपने स्टाइल की वजह से ट्रोल होने के बाद सोनाक्षी और उनकी स्टाइलिस्ट के बीच काफी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। वेल, वी होप कि आगे से सोनाक्षी की स्टाइलिस्ट उन्हें जो स्टाइल दे वो ट्रोल ना हो। वो संदेश अगा थे, जूम मुंबई। श्रद्धा कपूर की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म हसीना पारकर का ट्रेलर हो गया है लॉन्च। प्लैनेट बॉलीवुड पर देखिए इस फिल्म का ट्रेलर और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या इस फिल्म की रियल चॉइस थी सोनाक्षी सिन्हा। कुछ इसी अंदाज में श्रद्धा के ट्रेलर को देखने के बाद लोगों ने किया रिएक्ट।
और अपने फिल्म के ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स से श्रद्धा नजर आई ओवरवेल्म्ड। शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये फिल्म ऑफर की, उनके उनके विचार में मैं आई टू प्ले दिस रोल, टू प्ले दिस कैरेक्टर। पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू से अ बिग थैंक यू टू हिम। वैसे मौका तो था श्रद्धा की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का, लेकिन यहाँ भी वरुण, सैफ और करण की नेपोटिज्म कंट्रोवर्सी की चर्चा हुई और श्रद्धा से पूछा गया वो इस कंट्रोवर्सी पर क्या सोचती हैं। I have no idea about this. I don't watch TV, guys. Well, श्रद्धा ने बड़े ही स्मार्टली इस कंट्रोवर्सी पर नहीं दिया कोई भी जवाब। But I have no idea about this, so I won't be able to comment. But I have no idea about this, so I won't be able to comment. आखिर करण जौहर जैसे बड़े डायरेक्टर से जुड़ी कंट्रोवर्सी की यहाँ हो रही थी बात। मूविंग ऑन, फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने यहाँ क्लियर किया कैसे भले ही सोनाक्षी इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद थी, लेकिन श्रद्धा को इस फिल्म में कास्ट करके वो बहुत खुश हैं। एक्चुअली फर्स्ट वी हैड अप्रोच सोनाक्षी एंड वी आवर फिल्म केप्ट गेटिंग डिलेड बिकॉज़ जॉन हैड गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग हर शूटिंग ऑफ फोर्स। And I couldn't wait any longer, so I went and spoke to her and I said that agar, you know, the dates are not working out, we should both move ahead, and she agreed to that. And after that, it became a same struggle all over again. And the next person I had in my mind was totally Shraddha, because not only can she look 17, which she does right now, and she also looks 45, which you saw on screen or behind you. And she's really bubbly. The character in this film, in the beginning, is very bubbly. It's very innocent. She's the daughter in a family of 12. And I thought it would be really interesting to see both the siblings on screen together. And that was how the journey of Haseena Parker began. Well, श्रद्धा ने अपनी फिल्म के ट्रेलर से सच में छोड़ा है काफी बड़ा इम्पैक्ट। अब देखना ये होगा कि जब ये फिल्म रिलीज होती है तो ऑडियंस श्रद्धा को इस नए अवतार में कैसे एक्सेप्ट करती है। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। शाहरुख खान की फिल्म में सलमान खान करेंगे कैमियो रोल, और पहली बार सलमान के इस कैमियो पर शाहरुख ने की है बात। शाहरुख ने बताया कि जब उन्होंने सलमान को अपनी फिल्म में कैमियो के लिए पूछा तो सलमान के आंसर ने उन्हें कर दिया पूरी तरह से शॉक। प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको एक्सक्लूसिवली सलमान खान को उनके क्लोज बडी शाहरुख के साथ आनंद एल राय की फिल्म के लिए शूट करते हुए दिखाया था। प्लैनेट बॉलीवुड ने एक्सक्लूसिवली आपको दिखाया था कि कैसे सलमान कर रहे हैं अपने दोस्त शाहरुख का वो फेवर रिटर्न जो किंग खान ने फिल्म ट्यूबलाइट में कैमियो करके उन्हें किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कैमियो रोल के लिए शाहरुख को नहीं पड़ी थी सलमान को मनाने की जरा भी जरूरत, क्योंकि सलमान एक ही पल में अपने दोस्त SRK के लिए हो गए थे रेडी। शाहरुख ने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय पहले ये फिल्म सलमान खान के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन सलमान के डेट इश्यूज की वजह से ऐसा हो न सका। ऐसे में जब शाहरुख से पूछा गया कि क्या उन्हें सलमान को कैमियो के लिए कन्विंस करने में हुई प्रॉब्लम, तो इस पर शाहरुख खान सेड, नॉट एट ऑल, ही इज वेरी काइंड। दिस रोल वॉज रिटन अ लॉन्ग टाइम बैक इन द फिल्म, फ्रॉम द फर्स्ट नरेशन ऑनवर्ड्स। सलमान हैज ऑल्सो हर्ड द स्क्रिप्ट। आई थिंक आनंद वॉन्टेड टू मेक द फिल्म विद हिम एट वन टाइम, दे डिडंट हैव द टाइम, things didn't work out and VFX wasn't ready. यही नहीं, SRK ने यहाँ ये भी बताया कि कैसे और कहाँ उन्होंने सलमान से कैमियो के बारे में पूछा था। We were at home. Anand was there with Salman. Just walked in to say hi to me. He got his new e-cycle for me and for Arun and Suhana as well. Anand said, I should ask him. I said, Salman, there's one role. He said, yeah, let me know. Then everything just worked out perfectly. He had 2 days off. We needed 10 days to put up the set. जाहिर है,
एक टाइम पर एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखने वाले सलमान और शाहरुख की दोस्ती अब उस मुकाम तक पहुंच गई है जहां ये स्टार्स एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सलमान खान और कैटरीना की बॉन्डिंग को देख यूलिया होने लगी है कैटरीना से इनसिक्योर। ये न्यूज तो कई बार आ चुकी है, लेकिन पहली बार ये शॉकिंग खबर आई है कि यूलिया और कैटरीना का रिलेशनशिप हो गया है कॉर्डियल। कैटरीना और सलमान की बढ़ती नजदीकियों से नहीं पड़ता यूलिया वांतूर को कोई फर्क। यूलिया ने सलमान कैट की बॉन्डिंग को कर लिया है एक्सेप्ट। यूलिया ने बढ़ाया कैटरीना की तरफ दोस्ती का हाथ। एक कदम आगे बढ़ते हुए यूलिया ने किया कैटरीना को हग। सलमान खान की रूमर गर्लफ्रेंड यूलिया को लेकर अक्सर ये खबरें आती रहती हैं कि उन्हें सलमान और कैटरीना का ज्यादा मिलना जुलना हरगिज गवारा नहीं है। लेकिन अब एक ऐसी न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे सलमान, कैटरीना और यूलिया के इक्वेशन में आ गया है नया मोड़। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, रिसेंटली सलमान ने खास दोस्त कैटरीना के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए न्यूयॉर्क में देर रात रखी एक शानदार पार्टी। सलमान ने इस पार्टी में रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया के अलावा बी टाउन से वरुण धवन, आलिया भट्ट, करण जौहर, शाहिद, मीरा, रितेश देशमुख और प्रीति जिंटा को किया इनवाइट। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे के करीब जब कैटरीना की एंट्री हुई तो सबसे पहले उन्हें यूलिया ने हग किया और बर्थडे विश किया। यूलिया के इस जेस्चर का कैटरीना ने भी खुशी के साथ किया रिप्लाई। अपेरेंटली इसके पहले भी पिछले महीने सलमान और कैटरीना जब मुंबई के एक स्टूडियो में शूट कर रहे थे तो वहाँ यूलिया पहुँची थी। बताया जा रहा है कि यूलिया सीधे कैटरीना के वैनिटी में पहुंची और उनसे की मुलाकात। वेल, यूलिया को पता है कि कैटरीना और सलमान कितने क्लोज हैं। ऐसे में रीसेंट इवेंट्स को देखकर तो यही लगता है कि यूलिया ने कैटरीना का विरोध करने से अच्छा उनसे दोस्ती करना ही बेहतर समझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। नेपोटिज्म रॉक्स कहने के बाद वरुण, करण जौहर और सैफ अली खान को किया गया सोशल मीडिया पर ट्रोल। लेकिन अब इस इशू पर वरुण और करण ने मांगी है माफी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वरुण ने ये माफी किसी के फोर्स करने के बाद मांगी है। इवेंट पर करण जौहर सैफ अली खान के साथ मिलकर लाइव ऑडियंस के सामने नेपोटिज्म रॉक कहने वाले वरुण धवन ने पब्लिकली अपने इस एक्ट पर मांगी माफी। आई एक्सप्रेस माई अपॉलॉजी एंड रिग्रेट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ आई हैव ऑफेंडेड और हर्ट एनीवन विद दैट एक्ट। लेकिन क्या ये माफी वरुण ने मांगी है किसी के कहने पर? किसी के समझाने के बाद वरुण ने किया अपॉलोजाइज? Well, वरुण को माफी मांगने के लिए जोर देने वाले और कोई नहीं बल्कि उनके पापा डेविड धवन हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, वरुण धवन को ये इशू इतना बड़ा नहीं लगा था, लेकिन न्यूयॉर्क में नेपोटिज्म के नारे लगाने का इंडिया में जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उसे उनके डैड बहुत अच्छी तरह समझ गए। एक्चुअली इस पूरे इशू पर करण और सैफ के साथ वरुण को भी किया जाने लगा सोशल मीडिया पर ट्रोल। और तो और, वरुण के इस एक्ट पर पापा डेविड का रिएक्शन लेने के लिए भी कई लोग करने लगे उन्हें अप्रोच। ऐसे में हर तरफ वरुण को लेकर आ रही नेगेटिव न्यूज को देख डैडी डियर को लगा कि अगर इन न्यूज को नहीं रोका गया तो ये कर सकती है वरुण की बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज खराब। क्योंकि देखते ही देखते ये न्यूज कंगना की इंसल्ट से भी जुड़ चुकी थी। इशू की सीरियसनेस को समझते हुए डेविड धवन ने वरुण को समझाया कि वो कुछ भी कहने से पहले ध्यान दें कि वो क्या बोल रहे हैं। साथ ही डेविड धवन ने वरुण से बिना देर किए माफी मांगने को भी कहा, जिसके बाद एक अच्छे बेटे की तरह वरुण ने अपने डैड की बात मानी और तुरंत माफी मांग ली। लेकिन सिर्फ वरुण ही नहीं है,
जिन्होंने इस मुद्दे की आग पर माफी का पानी डालने की कोशिश की है, बल्कि इस इशू पर अब करण जौहर ने भी मांग ली है माफी। साथ ही करण ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि इस पूरे एक्ट का आइडिया उन्हीं का था। केजो सेड, ऑफ कोर्स आई डोंट बिलीव दैट नेपोटिज्म रॉक्स, ऑफ कोर्स आई बिलीव दैट ओनली टैलेंट रॉक्स, इफ एनीथिंग दैट रॉक्स इट्स योर टैलेंट। What we said was meant to be a joke, which I think has been misplaced, misunderstood, and I think it went wrong. I regret it. वैसे अपने आप को justify करते हुए करण यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, The idea of that joke was entirely mine, so I take onus of the idea of what we said. And I think we went a bit too far with the Kangana mention. No matter what I say or feel about my issues with what Kangana said on my talk show, I think I was raised to be a dignified, chivalrous and decent person. That's the upbringing that I was given and I feel that I failed on those accounts. I felt that no matter what my thoughts or personal issues on this, I should not have repeatedly brought that up. For that, I'm deeply regretful. Well, अब भले ही करण जौहर ने अपनी माफी के साथ इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश की हो, लेकिन अपने बोल्ड एंड बिंदास एटीट्यूड के लिए मशहूर कंगना इस मुद्दे पर चुप रहेंगी। फॉर ज्योति सिंह, जूम मुंबई। शाहरुख ने किस खास वजह से की फिल्म हैरी मेट सेजल साइन? संजय दत्त बायोपिक में रणबीर के साथ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी आएंगे सिल्वर स्क्रीन पर नजर। ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.